अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। दोस्तों आपको तो लगेगा कि हम कोटा के जंगल में, दोस्तों ऐसा नहीं है। हम हैं आज मुंबई से काफ़ी करीब, आपके अपने हम लोग यार दानिश भाई के फार्म पे, डी गोट फार्म। मेरे भाइयों, हम लोग डी गोट फार्म पे हैं जहाँ पर कोटा का पूरा एक्सपो चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। ये स्माइल देखने के लिए हमारे व्यूअर्स तरस रहे माशाल्लाह। अभी आप बोलो कि आप आते नहीं हैं। हमारे दानिश भाई माशाल्लाह, और मैं भले नहीं आता हूँ लेकिन हर जगह आपको ज़रूर याद रखता हूँ। सवाल ही नहीं, मेरे भाई मेरा नाम हर जगह लेते दानिश भाई। मतलब लेते सही है जी, बोलिए बोलिए आप। नहीं कुछ नहीं दानिश भाई, कोटा गए थे आप खुद ला के भी, लाइक आई थिंक महीना डेढ़ महीना हो गया। बराबर फुल सेट कर दिए, वैक्सीनेटेड कर दिए कि मतलब लेके जाओ पालो। बराबर। और हम लोग हैं दानिश भाई के सेकंड ब्रांच पे। ये जो जगह ली हुई है दानिश भाई ने, ये फॉर सेलिंग। हाँ भाई, अपना यहाँ का पर्पस ऐसा है ना कि ये जगह हम लोग ने ली है, जगह काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी है, तो इन फ्यूचर शायद अपन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग का माल उतार रहे हैं और बेचने के लिए। सही है। तो यहाँ पर फिलहाल पलाई नहीं कर रहे। एक्चुअली आसिम, मैं वहाँ पर पलाई में माशाल्लाह अपना फार्म इतना फूल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग के लिए जगह नहीं होती है। लोगों ने लाइव सेशन में देख लिया आपका फार्म, और जो तैयारी थी वो दुम्बा आज भी आंखों में घूमता हो, मेंढा है ना लमदुम। टारगेट लिया इंशाल्लाह, वो टारगेट पे जाएगा दुम्बा। सही है, लमदुम मेंढा लमदुम। सो कोटा के काफ़ी उम्दा बकरे हैं, कुर्बानी के लिए एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट बकरे, और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन जो भी माल लाएंगे, चाहे वो कोटा रहे, सोजत रहे, जो भी माल रहे, एक्स वाई जेड, पहले अपन अपने फार्म पे सेट करेंगे, वैक्सीन करेंगे, उसके बाद कस्टमर को देंगे। सही है। डायरेक्ट दूसरे दिन बेचने वाला काम नहीं करेंगे। सही है। उसके अपने ही फायदे, अपने ही बड़े नुकसान भी हैं। हाँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर डायरेक्ट बेच देने से भी सामने वाला 2-3 हज़ार दवा में दे देता है। हाँ, क्या होता है कभी अगर कस्टमर ने आज बकरा खरीदा और अल्लाह ना करे 4-5 दिन में उसके घर पे कुछ हो गया हो बकरे को, तो उसका शौक मर जाता है, उसका पूरा पैसा चले जाता है। पैसा चला जाता है। सही है। तो अपना यही मोटिव है कि कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। रिस्क तो हम लोग ले ही रहे, हम लोग अगर ये धंधा कर रहे तो रिस्क लेके ही कर रहे। सही। रिस्क हम लोग लेंगे ना, कस्टमर क्यों ले। सही है। सो दानिश भाई, ये सारे बकरे देने हैं, अगर ये बकरे कोई खरीदता है तो हम अपने पास पलाई पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? भाई एक्चुअली देखो बताओ ना, तो मेरे पास पलाई के लिए फिलहाल जगह है नहीं जी, वही इसलिए मैंने पूछा। कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है आप लोग बकरे ले जाए, क्योंकि मैं सेट करके वैक्सीन वगैरह करके जो भी फार्म है मुंबई के अतराफ में, वो जहाँ बोलेंगे वहाँ भिजवा देंगे। हाँ, आप लोग जहाँ जो और बोलेंगे वो फार्म पे भेज। कोई भी ऐसा चूज नहीं, जैसा जो जहाँ बोले, कस्टमर की चॉइस, कस्टमर की मर्जी, अपना ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भेजो या मेरे पास रखो या मेरे पास रखो। एकदम अगर नहीं है चांस तो फिर रख लेंगे आप। सही। फिलहाल मैं बकरे बेच के लेके जाने दे रहा हूँ, लेकिन शायद आसिम मैं बकरा ईद के बाद अपना पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, जो बकरा अपने पास से बिकेगा वही अपने पास पलेगा। सही। बाहर से नहीं लोगे आप? बहुत कम, 10% बकरे बाहर के लूंगा, बाकी 90% बकरे अपने फार्म से बिके हुए। तो दानिश भाई, कौन से बकरे से स्टार्ट करना चाहेंगे? मेरा फेवरेट। ये आपका फेवरेट है? आपका फेवरेट है मतलब कुछ तो बात होगी भाई। क्या चेहरा है, चेहरा ही उसका भाई, चेहरे से ही बकरा पसंद। नकाब पोश, सिक्के, दानिश भाई जैसे बकरे कोई दिखाता नहीं है, जिस हिसाब से आप बकरों को हैंडल करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई, इसका जो ये फेस का कलर है ना जी, ये कलर और ये पंच है ना जी, कान की लंबाई, सिक्का, हर चीज परफेक्ट है बकरे में। कलर पैटर्न बकरे का, बकरे का कलर देखो माशाल्लाह। ये बकरा भाई काफी टाइम से जंगल में था, जब मैं जंगल में घूम रहा था ना तो मैंने इसकी वीडियो लेके घुमा। अच्छा। ये बकरा मेरे को एक ने दिखाया, बोले भाई ये बकरा चलता क्या? मैं बोला बता दे बकरा का। भाई मेरे को 3-4 दिन तक ये बकरा देखना ही नहीं मिला। अच्छा। मैं जब यहाँ आ गया उसके बाद मेरे व्यापारी ने बोला भाई जो बकरा तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, ले लूँ क्या? बोला ले। ये अपने माल के बाद में आया बकरा, बाद में आके समझो हफ्ता भर हुआ, बट इसका भी वैक्सीन हो गया और बकरा सेट हो गया माशाल्लाह। गला पट्टी वगैरह बहुत भारी बनेगा भाई। मैं जितने बकरे लाया हूँ ना, मतलब ज़्यादातर मैं ये सोच के लाया हूँ कि जो लोग लेके एक साल पालेंगे तो उनका बहुत बेनिफिट, मतलब साल साल पलटी के हिसाब से, पलटी के लाइक के बकरे। क्या बात है। वजन का क्या अंदाज है असीम भाई? इसका वजन 70 किलो होगा। हाइट? हाइट है 39-40। 39-40 की हाइट है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, डिटेल जो भी कस्टमर खरीदने के टाइम डिटेल्स परफेक्ट मिलेगी। जो 39-40 हाइट तो कंफर्म है। दांतों में कितना है? पूरा दांत? दांत में पूरे फ्रेश हार्ड दांत है, पूरे अभी लगाया। सही। तो जिसको भी लेना होगा आप रेट फोन पे ही बताएंगे। कलर पैटर्न देखो आसिम भाई इसका जी, बकरी की लंबाई, बकरी की चौड़ाई, सीना, कमर,
बकरे का सब माशाल्लाह एकदम आउटस्टैंडिंग बकरा है। ये बकरा अगर कोई लेके साल भर पालेगा ना जी, और अगर अपने पास रखेगा तो इंशाल्लाह अगले साल बकरों में शो स्टॉपर्स बकरों में से ये बकरा रहेगा इंशाल्लाह। और इस साल के लिए भी अगर कोई लेता है, लास्ट तीन महीने चार महीने बचे, जिस भी फार्म पे अगर अच्छी पलाई होती वहाँ भेजेगा ना, तो ये बकरा तैयार होके मिलेगा इंशाल्लाह। बकरे में बहुत जगह है अभी। सही, तो ये पहला बकरा दिखा है दानिश भाई, वाह क्या उम्दा बकरा है भाई। उसका नाम हम लोग ने रखे है बाजीगर, बाजीगर। और इसका नाम रखे जानशीन, जानशीन। बहुत खूबसूरत है यहाँ असीम भाई, इसकी डिटेल है, चौथा दांत फ्रेश किया है अभी। चार दांत पे बकरा, मैं दो दांत पे लिया था जब वहाँ था। हाँ, अभी डेढ़ महीना हो गया ना अपने पास आके, तो इसने दांत निकाल लिया। चौथे दांत पे है, 38-39 हाइट है। क्या बात है, लेंथ, चेहरा, सिक्का। सिक्का कितना मोटा है देखो, सही है। चेहरा कितना लाजवाब है, कान की साइज भी बहुत बड़ी है, बड़े कान का बकरा, एक्सट्रीम क्वालिटी में से ये भी बकरा जी। स्टार्टिंग के जो दो बकरे बताया मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी के बकरों में से। क्वालिटी मतलब ओवरऑल इसका जो ग्रोथ की बात होगी, क्वालिटी मतलब कान होना चाहिए कोटा बकरों में जी, चेहरा अच्छा होना चाहिए, सिंग अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए। 39-40 हाइट बोले तो बहुत अच्छी हाइट होगी ना, कोटा में तो एक्सट्रीम हो गएगा। एक्सट्रीम तो नहीं बोलूंगा, एक्सट्रीम तो 42 को बोलूंगा जो मिलते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बकरा 42 इंशाल्लाह लेके रखे वो सही टाइम पे बताएंगे। 42 के कोटा नहीं मिलते भाई, बहुत कम, 40 हाइट मैक्सिमम मिल जाती है, 40 के ऊपर नहीं मिलते जल्दी। कोटा पहले 40 भी नहीं आते थे, 40 भी नहीं आते थे। वो कारोली कोटा में शायद आते थे। हाँ, ये थोड़ा मामला मिक्सिंग में एक तरफ जा रहा है, ब्लड लाइन में फर्क आते आते आज इसमें भी बड़े बकरे आने शुरू हो गए। सही है। अगर आपको किसी का भी रेट पूछना है तो बिंदास पूछो, तो आप बताओ जैसा जैसे आपकी मर्जी है। जानशीन कितने में दे रहे हैं आप? जानशीन के 65,000 लगे, 65,000 रुपीस, स्लाइटली नेगोशिएबल है, थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और बाजीगर 80,000 रुपये। बकरों के जो पैसे मांग रहे हैं हम लोग जंगल के मुकाबले में, मेरे को ऐसा लगता है मैं घुमा हूँ जंगल, तो मैं जंगल के मुकाबले में बहुत अच्छे ही पैसे मांग रहे हैं। तो वहाँ कुछ भी मांग ले रहे हैं ना, बाप रे बाप भाई। ये बकरा 1,25,000 रुपये बोला भाई, 1,25,000 रुपये, ढाई घंटा लगा था इसका सौदा करने में, निगोशिएट करने में। ये भी बहुत खतरनाक बकरा है, हाइट 40+ है। क्या पता मेरे को कोटाओं में समझ में नहीं आती है भाई, सोजेट सिरोई में समझ जाता हूँ। 40+ हाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेंथ, कलर पैटर्न, लेंथ तो बहुत बड़ी है इसकी, हर चीज़ है बकरे में, बहुत मतलब एकदम बड़ा बकरा, बड़ा बकरा। ये सब बकरे तो अभी भाई वहाँ पे चरे हुए बकरे, जंगल का खाली बोलते ना घास खाए हुए बकरे, दाने पे तो अभी साइड में है, दाना तो खाए नहीं अभी तक। अभी मैंने लास्ट 2 महीने पहले एक कोटा मंगा था जिसका मैं अभी रील्स डालने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का भाई, 2 महीने में 20 किलो वजन उठाया, 2 महीने में 20 किलो। अब वो नहीं करेगा, अब वो 2-3 किलो पे आ जाएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग में वेट उठाता है ना बकरा दाने पे, बहुत फटाफट वेट पे आ जाते माशाल्लाह। इसका नाम नहीं बताया आपने, इसका नाम आप रखो, आप ही रख देते इसका नाम, कटप्पा रख देते इसका नहीं, आप ही रख दो, आम आदमी पार्टी। वाह क्या गुलाबी पन आया भाई इसमें, बुल है, एकदम जबरदस्त बकरा। ईद के टाइम पे लोग ढूंढते हैं ना जो बकरे जी, वो क्वालिटी के बकरे अपन लाए, मेंटल बकरे, खूबसूरत बकरे, हैवी बकरे, बहुत उम्दा, क्या सिंग है इसके। ये जब बकरा ईद करीब आएगी ना आसिम भाई, यही बकरों का रेट आसमान पे रहेगा। अच्छा, जंगल में नहीं है ना बकरे ज्यादा, बकरे उतने नहीं है और रेट बहुत है, मतलब जो चीज अपने को क्वालिटी जो चाहिए ना वो नहीं, कोटा बकरे मिलेंगे तो बहुत सारे जी, बट ये क्वालिटी ये रेट में नहीं मिलेगी आसिम भाई। देखो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, कुर्बानी वालों के लिए भी अच्छा और साल पलटी करने वाले के लिए भी अच्छा, क्या कॉम्बिनेशन है, कलर अच्छा है, कान अच्छे है, सिक्का अच्छा है, इससे अच्छा और क्या मिलेगा बकरे में। पीछे झालर है, ये भी है 39 की हाइट का ना, हाँ 39, वो बकरा है बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा बकरा है, लंबी है। इसका नाम क्यों रखे भाई? इसका नाम लोहा रखे, लोहा, लोहा, नोहा, 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 सॉरी अपना पहले बकरा था ना नोहा, हाँ हाँ हाँ, तो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा उससे मिलता था, नाग नक्शा भी अच्छा है इसका, अच्छी चीज है। ये बहुत देर से चिल्ला रहे, क्या परेशानी है भाई, दांत में भी कम है, चार दांत पे, चार दांत फ्रेश निकाला है, 65-70 होएगा आराम से, 37 की हाइट है, बकरा फुल एग्रेसिव है, बकरा कलर में बहुत अच्छा है, वाह घोड़ा एकदम, सिक्के भी जबरदस्त है,
वहाँ जंगल में इनको बांध के रखते हैं ना? हाँ भाई, ऐसी तरीके से वहाँ बंधे रहते हैं। बहुत शानदार चीज़ है। और हर घर में एक या दो ही बकरे? एक से दो बकरा रहेगा अपने को। दो दूसरा बकरा लेने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाना। आप कम बता रहे हो, 20-20 किलोमीटर जाना होगा। ये भी बकरा अच्छा, अगर किसी को पालने के लिए लेना है, अगले साल के लिए रखना है, मैं बोलूंगा ये बकरा पालने के लिए याद करें। बनेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, बहुत उम्दा। ये वाला इसकी हाइट है 37 और वजन में है 60 किलो। ये भी अपने को देना है, 45,000 मांग रहे हैं। इसके भी 47,000 मांग रहे हैं, जो अपन ने 4 लाख पालने वाला 47,000 मांग रहे हैं, नेगोशिएबल हो जाएगा। बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है बकरे का, हाइट लेंथ अच्छी है, कुर्बानी वालों। ये अचानक बन जाते हैं ना भाई? ये भाई मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये जितने खाली दिख रहे ना, अब यही बकरे कुर्बानी के टाइम पे देखना, ये सब ऐसे हो जाएंगे। एक महीना बस चाहिए इनको, एक महीना बस। क्या होता है जंगल में कभी नाखून नहीं कटते इनके, सबसे पहली चीज। बकरा वेट गेन जंगल में क्यों नहीं करता भाई? इनके जितने बकरे हैं ना, ये सबके नाखून ऐसे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, वो लोग दबा के काटना पड़ता नहीं। हाँ, तो जब नाखून कटता है ना जानवर का, तो वो फ्री फील करता है, और उसके बाद में बाल कटते हैं। डीवॉर्मिंग नहीं होती है वहाँ, अपने यहाँ पर डीवॉर्मिंग हो जाती है, उसके बाद खाना शुरू करता है। वहाँ दाना बिल्कुल नहीं खिलाते, घास घास घास। वहाँ पर बकरे दांत जल्दी इसीलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बकरे आपको दो दो दांत पे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ दाना ही नहीं खाता बकरा। अपने यहाँ के वही बकरा फिर फटाफट दांत लगाना चालू और मोटा हो जाता है, और मोटा होने लगता है। सही। इन भाई साहब की क्या डिटेल है? ये अक्सर घर पे जो रहते हैं वो घर पे ब्रीडिंग ही करते हैं। बराबर। ये आसिम भाई, इस ये पांचवा दांत अभी निकाला है बकरे ने, इसकी भी 38 करीब हाइट है और वजन में होगा 50-52 किलो। कलर पैटर्न अच्छा है, बफ अच्छा है बकरे को, बफ अच्छा है माशाल्लाह। कलर भी बहुत अच्छा आसिम भाई इसका, सिक्का एकदम परफेक्ट है। गुस्सा तो हर एक बकरे को रहता है इसमें, कोटा मतलब एग्रेशन। सही है। और ये कितने में देना चाह रहे हैं अपन? 36,000 रुपीज़ दोस्तों, शानदार। हम लोग रेट इसीलिए बता रहे हैं ना आसिम भाई के, लोगों को तकलीफ ना हो, जिसको पसंद है वो कॉल करे। 19 से 20 रेट में फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो कोई अगर फ़ोन करके आधा रेट लगाने की सोच रहा है तो भाई फ़ोन नहीं करना। सही है। फुल सेट करके भी तो दे रहे भाई बकरे, सेट करके दे रहे, चीज़ ला के दे रहे, क्वालिटी ला के दे रहे, बनने की गारंटी है। इंशाल्लाह ये बकरे तैयार हो गई, अगर नहीं तैयार हो गए मेरे पास भिजवा देना, मैं तैयार करके बताऊँगा। सही है, दानिश भाई ने बोल दिया तो बनेंगे इंशाल्लाह। मेहनत भी तो रहेगी दानिश भाई, मेहनत है, खिलाई पिलाई, अब आप खिला रहे क्या उस पर डिपेंड है। सही है। मेरी नज़र में ये बकरे में 2 महीने में इनमें कम से कम 12-12, 15-15 किलो ऊपर डाल दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये क्या डील है? बहुत बड़ा बकरा है भाई, ये भी बहुत अच्छा बकरा है। चेहरा, कलर, सिक्का, हर चीज़ अच्छी है। कुर्बानी वालों के लिए इस साल के लिए बेस्ट चीज़ है। वजन में होगा ये भी 70 किलो के करीब माशाल्लाह। कलर क्या कॉम्बिनेशन आया, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेग पीस है एकदम, सिक्के भी देख सकते हैं आप। दांतों में पूरा है? नहीं, 6 दांत पे। वजन 70 किलो, 65 से 70, हाइट 37 इंच। सही है। आइए, ये भी एक बड़ा बकरा है। इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा, बहुत परेशान करते हैं। जितनी जगह में ये बकरे बंद है ना, उतनी जगह में मैं 100 बकरे रख सकता हूं। 100 खस्सी पाल लो है ना, आराम से। और बिकेंगे भी अच्छे हो, पर क्या शौक मार देता अपने को। हमारे एक भाई बोलते हैं शौक नहीं, नशा है, नशा है। नहीं तो सही है, इतने बकरों में 100 खस्सी पल जाएंगे तुम्हारे। वैसे खस्सी लाने वाले हो कि नहीं? लास्ट टाइम लाए थे आप? लाएंगे ना भाई, इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद से अपना खस्सी का माल आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, माल खरीद के वहाँ रखा हुआ है, और समझो कि रमजान में जाऊंगा एक बार, माल देख लूंगा। रमजान के बाद में पहले लॉट में 50 बकरे आ जाएंगे अपने सोजत के, उसके बाद फिर वो लॉट जैसा खत्म होगा आते जाएंगे कंटिन्यू, जैसे लास्ट ईयर आए थे। ये बकरे की भी डिटेल ले लो आसिम भाई, 40 हाइट में है बकरा जी, 65-70 किलो वजन है, 6 दांत है बकरा, कान का कान वान अच्छे, लंबे कान का, और बकरा अच्छे रेट में है, 45,000 में आएगा। बहुत अच्छे। और जैसे मैं देखता हूँ हैदराबादी में कान नापते हैं, मेरे को लगता है आगे चल के इनके भी नापेंगे। अभी भी नापते हैं। हाइट और कान का वैल्यू, जितना बड़ा कान है, जितनी बड़ी हाइट है उतना वैल्यू। तो 19-20 कान के तो बहुत नायाब हो जाएंगे फिर। 19-20? हाँ, 19-20 तो बहुत नायाब भाई। मैंने कोटा में 22-23 इंच के भी कान देखे, लेकिन वो लाखों में बात होती है, वो तो फिर बात भी नहीं, वो तो बात ही अलग है। देख के खुश होना। सही है। अभी देखो आसिम भाई, ये भी एक बकरा बताया मैंने, जैसे ये भी बड़ा बकरा है, बराबर। इसका रेट मैंने क्या बताया? 45,000 जी। उसका रेट क्या बताया? 80,000 जी। बराबर, वेट में शायद ये ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन दोनों चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
क्वालिटी कंपेयर करोगे, मतलब इनमें क्वालिटी देखी जाती है। बताने का मतलब ये कि अभी कुछ व्यूअर्स ये भी बोलेंगे अरे भाई 80,000 का 1,00,000 रुपए का, अभी मैं आपको कुछ बकरी दिखाऊंगा जो 1,00,000 के ऊपर भी है जी, उनकी अपन अलग वीडियो बनाएंगे जी। तो मसला क्या है कि जैसी क्वालिटी जैसा बकरा वैसा रेट, सही छोटा का बकरा आपको 20,000 का भी मेरे पास मिलेगा और 2,00,000 रुपए का भी मिलेगा, क्वालिटी पे डिपेंड है। सही, वेट की कोई अहमियत नहीं है कोटा बकरों में, वजन की कोई अहमियत नहीं है इसमें, पूरी क्वालिटी की अहमियत है कि कैसे आगे जाके वो यस कमाल करने वाला। एक छोटा बच्चा दिखा देता हूँ वीडियो में जो आई थिंक आने वाले साल के लिए ही है, अभी से देखो क्या लुक्स दे रहा है, बचपन में दिखा रहा है अपने पूरे वो, है ना। ये बकरा किसी का है? अच्छा किसी का है ये बकरा? अच्छा किसका है ये बकरा? हमारे एक दोस्त है उनका। अच्छा तो आपकी इतनी अच्छी स्माइल क्यों आ रही है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। आसिम शेख का है। हाँ ये आसिम शेख का है। तो मेरा अरे मैं कब लिया यार कसम, ये बकरा आपके लिए लिया था मैंने जंगल। अरे क्या बात है, अरे तो तुम इतना सरप्राइज दे रहे हो वीडियो के अंदर मेरे को। ये बकरा आसिम भाई के लिए लिया था मैंने, सोच के ही लिया था वहाँ से, एक बकरा आसिम भाई के लिए लेके हम लोग एक साल उसको पालेंगे अपने फार्म पे, अगले साल आसिम भाई घर पे कुर्बानी करेंगे। अरे क्या बात है, अरे बकरा पसंद आया भाई? नहीं बहुत, मैं तो तारीफ कर ही रहा था, आपने बीच में बोल दिया। और ये सरप्राइज सरप्राइज ही रखा था मैंने, इसलिए कभी किसी नहीं, वो तो बोला था मेरे को खुद को नहीं मालूम। ये बच्चा मैं वहाँ देखा था, मैंने बच्चे तो मैं खरीद ही नहीं कर रहा था जी, ये बच्चा देख के मेरे को बहुत पसंद आ गया था, बहुत अच्छा बच्चा, बच्चा मैं ले लेता हूँ। कान वान चेहरा गला, अब मैंने लिया तो हूँ, ये बच्चा किसके लिए लिया जी, फिर मेरे को याद है मेरे भाई के लिए। अरे क्या बात, अगले साल मेरे भाई के घर पर कुर्बानी होगा। सही है, ये अभी पलेगा अपने पास ही साल भर, वो फार्म पे भिजवा दूंगा इसको इंशाल्लाह। सही है, तो हमने लगभग सारे बकरे दिखा दिए दानिश भाई जी, एक बार और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। बकरे अभी कुछ और बचे हैं आसिम भाई जी, जिसकी अपन एक अलग वीडियो बनाते हैं क्योंकि वो थोड़े एक्सक्लूसिव और महंगे बकरे। सही है, इसकी अलग वीडियो बनाते हैं। तो ये बकरों के लिए दानिश भाई से कॉन्टेक्ट करें आप लोग, दानिश भाई को आप फॉलो करें उनके यूट्यूब चैनल पे, दानिश भाई इस पे रेगुलर वीडियो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक टॉम एंड जेरी का कुछ लास्ट वीडियो आया था, टेडी बकरों का दिखाते हम लोग वीडियो में, है ना। ये तो उनको निकलवा, तो वो सेलिंग पे लिए है अभी, नहीं सेलिंग के लिए निकाल लो उनको भी। अब वो नेक्स्ट वीडियो अभी जो करेंगे उसमें दिखा देंगे, वो वीडियो में कोई इन्वॉल्व मत करो। अच्छा चलो दिखा देते, फटाफट निकाल दो बकरे दिखा दे, अब तक मैं ये सारे वापस दिखा देता। ये देख लो आप एक एक करके, कुछ अभी आराम कर रहे हैं। तो दानिश भाई इनको खाने में क्या दे रहे वैसे हम लोग? भाई इनका फीड चालू हो गया है, स्टार्टिंग में तो मैं इनको भूसे रखा था क्योंकि जैसे कि दाना खाए हुए नहीं है बकरे, तो इनको सेट करना बहुत बड़ा टास्क रहता है। क्या होता है अक्सर लोग जंगल से बकरा वीडियो पे देख के मंगा लेते, दो दिन बाद उसको गेहूँ खिला देते, बकरा हो जाता है बीमार, जाम हो जाता है। हाँ, फिर वो इनडाइजेशन की तकलीफ आ जाती है, फिर उसको टेम्परेचर आने लगता है, फिर कभी कभी PPR FMD ये वो बहुत सारे दिक्कतें आती है। लोग ऑनलाइन बकरा देख के बहुत इजीली मंगा लेते हैं, जैसे कि उनको सब आता है, बुरा लगाने वाली बात नहीं है, बट आपको बकरे को संभालने का जब तक नॉलेज नहीं है तब तक बकरा बाहर से मत मंगाओ, आउट स्टेशन का बकरा मत पालो, क्योंकि आपका ही नुकसान है उसमें। सही है, यहाँ दुनिया भर के लोग बेच रहे हैं, मेरे अलावा भी बहुत लोग बेच रहे हैं बकरे, तो सेट बकरा खरीदो कहीं से भी खरीदो। सही, हाँ अगर आपको नॉलेज है, आप ऑलरेडी बकरे पालते हो, शौकीन हो, आपको सब पता है, तो आप मंगा सकते हैं। मैं नए लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ कि जंगल से बकरा देखे, मंगा लिए, लाके गेहूँ खिला दिए, बकरा मार दिए, वैसा मत करो, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग ने देखे बहुत से कस्टमर्स का नुकसान हुआ है बकरे मरने पे, यही रीज़न है। ये दोनों आ गए बहुत उम्दा पाकिस्तानी टेडी बकरे भाई, ये तो ये भी आपने बाहर से मंगाए कि या खरीदे? ये मैंने बॉम्बे से ही लिया था जी, बकरे छोटे लिए थे, माशाल्लाह अच्छे तैयार हो रहे हैं, वो आपके पास इनको 3-3.5 महीने के करीब हो गए, बहुत उम्दा चीज है माशाल्लाह। कितने कितने दांत पे हैं भाई? ये 6-6 दांत अभी किए हैं और वजन करीबन इनका 45 kg। ये जोड़ी में ही देंगे अपन? जोड़ी में देंगे अपन, बहुत उम्दा। इनका नाम है टॉम एंड जेरी, बहुत उम्दा। इनके वीडियो देखे हम लोग ने, क्या कान है, एकदम पुर्नी कान है, पाकिस्तानी टेडीज में जैसे कान और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से उसमें टाइट होते हैं, इरेक्ट होते हैं। हाँ, इसके हिसाब से तो इंडियन के हिसाब से तो इन लोगों ने बहुत अच्छे कान लाए। ये पंजाब के माने जाएंगे, है ना, बहुत उम्दा, लेकिन क्या शाइनिंग में बच्चे। ये चीज जो कदर करता है, जो शौक करता है, वही लेगा। सही है, तो इसके लिए फोन कर ले दानिश भाई को आप लोग, बहुत उम्दा बच्चे दोनों, जो भी बरबरे के शौकीन है उनको बहुत पसंद आएंगे। अब मिलते भी नहीं आसिम भाई ऐसे बरबरे अपने को, देवनार में टाइम भी नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे ना, वहीं से बिक जाते अभी ज़्यादातर।
आने वाले टाइम कोटा का भी ये रहेगा, कुर्बानी के टाइम पे कोटा में व्यापारी को बेचते हुए आप लोग भी देखेंगे, क्योंकि बॉम्बे वाले अपने भाई दोस्त लोग ही सब खरीद खरीद के वहाँ से लेकर आ रहे। सही है, चलो इनको ले जाओ भाई, बहुत उम्दा। ये सिंगल तो नहीं देंगे ना? सिंगल नहीं देंगे, क्योंकि बचपन से साथ में पले साथ में बड़े, तो जोड़ा तोड़ना नहीं है मेरे को। सिंगल का मुझे रेट भी लगा था लेकिन मैं नहीं दिया। क्वालिटी अच्छे है दोनों, बहुत क्वालिटी। एक मेल फीमेल जोड़ी भी है टेडी में मेरे पास। अच्छा, वो भी मैं दिखा दूँ? वो भी यही वीडियो में दिखा रहे हैं हम लोग अभी। दिखा देते ना? दिखा दो। बहुत ही शानदार, मतलब एक जोड़ी गई मेल मेल की, अब ये जोड़ी फीमेल की। ये मेल और फीमेल की जोड़ी है। कानों का तो कोई तोड़ ही नहीं है, प्योरिटी में बहुत अच्छे है चारों के। ये वो दो और ये दो सबसे अच्छे कान मेरे हिसाब से फीमेल के। फीमेल के सबसे बेस्ट कान है, एकदम खरगोश है, फुल पुर्नी कान में। दंत है आसिम भाई है? नहीं, दो दांत की अभी अभी जस्ट की है, दो दो दांत अभी लगा है। मेल और फीमेल है जोड़ी में देना। सही है। अच्छा, दोनों सेम मदर फादर के बच्चे नहीं है, वैसे हम लोग बेचते भी नहीं साथ में, अलग अलग ही करके बेचते, अलग अलग माँ बाप है दोनों के। सही है। तो ये दोनों भी देना है जोड़ी में, अगर कोई लेगा ब्रीडिंग के लिए, किसी को चाहिए, कोई शौक करता है घर के पास, बराबर है उनके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सही। इसकी कीमत आप फोन पे बताएंगे क्या? फोन पे बताएंगे। मेल फीमेल की जोड़ी है, कान देख लें आप, दो दो दांत पे अभी, और साथ में ही है कि अलग अलग थे अंदर? अभी अलग अलग, मतलब गाबन नहीं है, नहीं है। खाली। चलो ठीक है, तो ये दोनों के लिए कांटेक्ट कीजिए आप दानिश भाई को, ले जाओ भाई। सो दोस्तों, हमने पूरा कोटा का जंगल देखे और दो टेडी जोड़ियाँ देखे। दानिश भाई को आप लोग फॉलो कीजिए उनके यूट्यूब चैनल पर डी गोट फार्म, और इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है डी गोट फार्म नाम से, माशाल्लाह, जो काफ़ी फेमस है। सो दानिश भाई, आपका फ़ोन नंबर भी दे दें लोगों का। 7506967979। ठीक है, तो अभी पलाई फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। पलाई के लिए कांटेक्ट करना है कि नहीं करना? पलाई के कांटेक्ट करो, बट इस साल के लिए तो मैं नहीं कर सकता हूँ जी, ऑलरेडी मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बट मैं माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों को मैं मना भी कर रहा हूँ जी, ना चाहते हुए भी माफ़ी बोलना पड़ रहा है कि मैं नहीं रख सकता हूँ, जगह नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अगले साल के लिए अगर जिसको बुकिंग करना है, वो अभी से मुझे कोई पैसा नहीं लगेगा बुकिंग का, आप अभी से मुझे एक बार अपना नाम और नंबर लिखा दो जी, तो हम लोग बकरईद के बाद आप लोग को कॉल कर लेंगे। सही। और भराई के लिए क्या होता है आसिम भाई, हर साल है ना बकरईद से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के जरिए जब भी अपनी वीडियो जाती है अपना फार्म फुल हो जाता है। बकरईद से एक महीने या दो महीने में 90% फार्म फुल हो जाता है, 10-20% बचता है जो है वो आगे चल के फुल हो जाता है। सही। तो जिनको अगले साल के लिए रखना वो अभी से बुकिंग कर ले, आपका नाम नंबर और वो लिखवा दे मेरे पास, इंशाल्लाह आपको सामने से बकरईद के बाद कॉल आएगा, आप बकरा भेज रहे हो तो ठीक है, आपके लिए जगह रेडी रहेगी, नहीं तो दूसरे कस्टमर। सही। और भराई का क्या अपडेट है भाई? भराई के कुछ बकरे तैयार कर रहे हैं आसिम भाई, लेकिन बेचने वाले इस साल भराई में कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, एकाध बकरा भराई का बिकने के लिए निकलेगा, बाकी सब तो। और ये साल टाइगर सीरीज देखने मिलेगी हम लोग को? मिलेगी इंशा की तरह, इस साल भी तो है, मतलब प्रिपरेशन चल रहा है, प्रिपरेशन सारी हो गई, आपका इंतजार था, आप आ गए हो, अब धमाल करेंगे। सही। तो रमजान बाद ही ये सब लॉन्च होएगा? लगभग रमजान बाद अपन सीरीज चालू कर देंगे, और रमजान बाद कुछ प्लानिंग चल रही है इंशाल्लाह, कुछ एक नया कुछ लाने की इंशाल्लाह, हम लोग जिसके बारे में डिस्कस किए हैं इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे बहुत। सही। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी इससे भी बड़े कोटा देखेंगे, कुछ बड़े बकरे हैं मेरे पास जो मैंने रखा था, सिर्फ अभी तक मैंने ना कोई इंस्टाग्राम पे डाला ना कहीं डाला, मेरा ये था कि आसिम भाई जब आएंगे बहुत अच्छे चैनल पे लॉन्च करेंगे और उसी से फिर बाद में बकरे बिकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दानिश भाई के साथ में, अगेन कोटा के बकरे दिखाए आपको। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।